हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कीचड़ ऑफ अनीता शर्मा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दलिये की खीर बनाने जा रही हूँ। दलिये की खीर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये विटामिन से भरपूर होती है। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। दलिये का खीर बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये दलिये की खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है दलिये की खीर। ये जितनी सुंदर देखने में लग रही है, उतनी टेस्टी खाने में भी लगती है। आप इसे मेरे हिसाब से अपने घर बनाकर ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं जो दलिये की खीर मैंने बताई है वो कैसी बनी है। दलिये की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन गर्म करना है, उसमें एक चम्मच घी डालना है। घी मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं एक कप दलिया डाल रही हूँ। इसे बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है। हमें इसे 5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है। जब दलिया भूनने लगेगी तो इसमें से अपने आप सोंधी सोंधी खुशबू आएगी। तो हमें इसमें एक कप पानी ऐड करना है और धीमी आंच में इसे इस तरह से हिलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर बाद इसे हमें इस पे ढक्कन लगा देना है और धीमे धीमे इसे गलने देना है। बीच बीच में हमें इसे इस तरह से मिलाते रहना है। ऐसे हमें 2-3 बार करना है, ढक देना है और थोड़ी देर में फिर इसे इस तरह से हिला के पकाना है। तीस सेकेंड बाद ये देखिए ये दलिया कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक कप दूध ऐड करना है। अच्छे से मिला लेना है। 30 सेकेंड पका लेने के बाद इसमें एक कप हमें चीनी ऐड करना है। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेना है। 3 से 4 इलायची कूट के हमें ऐड करना है। अच्छे से मिला लेना है। फिर इसे हमें थोड़ी देर ढक के और पकाना है। तीस सेकेंड बाद इसे फिर हमें वापस खोल के इसे चलाना है कि नीचे से जल ना जाए। वापस इसे फिर हमें ढक देना है। अभी दलिया पूरी गली नहीं है। अगर आवश्यकता हो तो इसमें हमें एक कप या आधा कप दूध और डाल सकते हैं। ये देखिए अभी दलिया बिल्कुल ही गली नहीं है। वापस इसे हमें ढकना है। अब हमें आधा कप दूध और ऐड करना है। आप चाहे तो 1 कप और ऐड कर सकते हैं अगर पतली खाना चाहे तो। अब 1/4 कप कोकोनट क्रम्स ऐड करना है। कोकोनट क्रम्स डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब इसे वापस हमें ढक के थोड़ी देर और पकाना है। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए अब ये दलिया गल चुकी है। इसे वापस हमें फिर 2 से 3 मिनट और पकाना है। अगर आपको दूध थोड़ा कम लगे तो आप ऊपर से दूध और डाल सकते हैं। ये देखिए अब ये दलिया बन करके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। कितनी अच्छी गाढ़ी दलिये की खीर बनी है। ये देखिए अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है। ड्राई फ्रूट से गार्निश करना है। मैं यहाँ पर काजू, बादाम
और पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी दलिये की खीर बन करके तैयार हो चुकी है। दलिये की खीर बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दलिये का खीर अक्सर रात के समय खाना चाहिए। रात को खाने से ये शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से दलिये की खीर बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और बहुत जल्द बन भी जाती है और अच्छी बनती है। ये देखिए कितनी गाढ़ी बनी है हमारी दलिये की खीर। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट दलिया की खीर बनी है। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं।